तो बहुत टाइम से लोग राधे श्याम का वेट करते हुए आ रहे थे और ट्रेलर के बाद तो इसने खास कर हमारा एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ा दिया। साहू मूवी में प्रभास के काम को सभी लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, क्या इस मूवी में इनके पाप धुल पाएंगे? प्रभास को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने के बावजूद भी साहू ने कितना बिजनेस किया अंदाजा है आपको? 433 करोड़। क्या ये फ्लॉप माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इस मूवी में हम लोग बात करने वाले की आखिर ये नई टाइप की लव स्टोरी कैसी थी, वर्थ इट है कि नहीं देखने के लिए। एक रिक्वेस्ट है कि प्लॉट देखने के बाद ही भाग मत जाना, पूरी मूवी के रिव्यू के मजे लेना। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टोरी। तो सबसे पहले तो इस मूवी का जो टाइम बताया गया है वो बताया गया 1976 का, बहुत पुरानी है ना। जैसा कि आप सभी लोग ने ट्रेलर में ऑलरेडी देख लिया होगा कि प्रभास हाथों की लकीरें पड़ने वाले होते हैं, जिनका बोला हुआ कभी झूठ नहीं हो। अगर बंदे ने बोली है मौत तो मौत होनी है। बट एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रभास जितने भी बड़े हाथ देखने वाले हो पर कई लोगों के हाथों को नहीं पड़ पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो मजाक को साइड में रखते हैं, स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो प्रभास की लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि उसको इंडिया छोड़कर इटली जाना पड़ता है, मतलब भाग जाना पड़ता है। और इटली में प्रभास मिलते हैं अपनी जीवन की प्रेरणा से, जिसका रोल किया है पूजा हेगड़े ने। और प्रभास को पहली नजर में प्यार हो जाता है, सच्चा वाला। तो कैसी प्रेरणा को विक्रम से प्यार हो जाता है और कैसे किस्मत इनको बार बार टकराने में मजबूर करती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होता है। एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, प्रभास इस मूवी में बहुत ही अच्छे दिखे, मतलब कि बंदा एकदम हैंडसम एंड डैशिंग। जहां पर शाओ मूवी में उनके बोलने के तरीके को, उनकी डायलॉग डिलीवरी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, इस मूवी को देखने के बाद उसको आप बिल्कुल भूल जाओगे। नाम भी उन पर बहुत अच्छा जमता है, एकदम भारी भरकम, विक्रमादित्य। और इस मूवी में प्रभास को भारी भरकम एक्शन की जरूरत भी नहीं थी, जरूरत थी रोमांटिक होने की। और भाई बंदे ने बखूबी काम किया है। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मूवी है वो काफी कुछ वर्चुअल बॉक्स में शूट हुई है। अगर आप लोगों को वर्चुअल बॉक्स नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो जो आप लोगों ने सेट देखे होंगे पूरे ग्रीन स्क्रीन वाले, जहां पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सी। कुल मिला के वर्चुअल बॉक्स का यूज लोगों के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा करने के लिए किया जाता है। और भाई इस मूवी में जो वर्चुअल बॉक्स का यूज हुआ है ना, कतई जहर। मतलब कि जितने भी सीन्स दिखाए जाते हैं लिटरली लगता है उनको देख करके उनको पोर्ट्रेट किया हो, हर एक सीन्स लाजवाब थे। और अगर पूजा हेगड़े की बात कर ली जाए तो आज से वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, एडोरेबल लग रही थी वो। जिस तरीके से मूवी में उनको फिल्माया गया है पूजा की ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है। यहाँ पे एक चीज खलती है, दोनों एक्टर और एक्ट्रेस की केमिस्ट्री, पर वो थोड़ा बहुत नोटिस में आता है, ज्यादा नहीं। तो आपको इस मूवी में प्यार और नियति का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है और ये ही मूवी का बेस होता है। ये एक तरीके से बोला जाता है एक क्रॉस लव स्टोरी है, जिसके लिए कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर दोनों को एक साथ पर्दे में देखो तो मुंह से निकले केमिस्ट्री हो तो ऐसी, यहाँ पर आप थोड़ा निराश होते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हमको दिखाया जाता है पूजा और प्रभास का रिलेशन, कि वो कैसे मिलते हैं और कैसे उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है। और जब प्रभास का इंट्रोडक्शन या बोले तो उनकी एंट्री दिखाई जाती है, जो देखने में बहुत ज्यादा धमाकेदार लगती है। बंदा जितना साइलेंट उतना ही वायलेंट। कुल मिला के बोला जाए तो जो हाफ वाला पार्ट था वो बिल्कुल इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, बट फील आता है कि इंटरवल के बाद मूवी बिल्कुल कमाल ही कर जाएगी। पर थोड़ा टाइम बिताने के बाद वैसी चीज चालू हो जाती है, मतलब कि इसका जो प्लॉट होता है, स्टोरी होती है, जितना एक्साइटेड थे हम इस मूवी को लेकर कि मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि प्रभास की मूवी के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है, जिसकी एक्टिंग लिटरली हमने बाहुबली में देखी है। और लिटरली प्रभास मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट एक्टर है, तो मुझे इसमें प्रभास की गलती नहीं लगती, स्टोरी की लगती है। मैं तो प्रभास के लिए बायस्ड हूं भाई। हमें इस मूवी के ट्रेलर में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही थी, ये मूवी उतनी ही सिंपल होती है। आपको बिल्कुल भी नहीं जूझना पड़ता इस मूवी को समझने के लिए। अगर इस मूवी के सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ना ही सिर्फ क्रिटिक्स, ऑडियंस को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इस मूवी को बनाते हुए राधा कृष्ण कुमार ने बहुत ही छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान दिया है, जो कि आपको मूवी देखते हुए समझ में आता है। इस मूवी में आपको बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन देखने के लिए मिलती है और कैमरे का भी बहुत अच्छे से यूज किया गया है उसको फिल्माने के लिए, जो कि आपके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जैसे कि आप सभी लोग को बाहुबली में बहुत अच्छे गाने मिले थे, उस लेवल के सॉन्ग्स इस मूवी में नहीं मिलते, आपको एवरेज सा फील होता है। बट जो गानों की सिनेमेटोग्राफी करी गई है वो एपिक लेवल होती है। अब बात करते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन में ऐसा क्या खास था। तो हमारे यहाँ पर लंबे टाइम से एक जैसी ही मूवी बनते आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ रोमांटिक मूवीज की, जहाँ फोकस रखा जाता है हीरो हीरोइन और विलेन। कहने का तो ये मूवी एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, बट इसकी स्टोरी को देखने में आपको एक नयापन सा मिलता है, जहाँ पर प्रभास का एक रोमांटिक लुक बहुत ही ज्यादा डैशिंग होता है। और अगर आप एक्टिंग की बात कर लिया तो भाई प्रभास ने बिल्कुल दिल जीत लिया है। उन्होंने यहाँ पे एक बार फिर साबित किया है कि वो किसी भी मूवी के लिए एक वन मैन आर्मी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बहुत सारे इंटरव्यूज में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रभास एक शाय एक्टर है, बट वो इस मूवी में कहीं से शाय नहीं लगते। और अगर पूजा हेगड़े की बात की जाए तो आपको इस मूवी में उनको एक नया सा लुक देखने के लिए मिलता है, जो कि लिटरली आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल लुक होता है। तो आखिरी में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ही देखिए मूवी। पहला रीजन, अगर आप लोग को रोमांटिक मूवी पसंद है। सेकंड रीजन, अगर आप लोग पुरानी रोमांटिक मूवीज की किसी भी स्टोरी लाइन को देख देख कर पक चुके हैं, और अगर आप लोग कुछ नया चाहते हैं। थर्ड रीजन, अगर आप लोग को चाहिए फुल एंटरटेनमेंट। फोर्थ रीजन, अगर आप लोग को मिस्ट्री रोमांस एक्शन और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन पसंद है तो ये आपके लिए मूवी है। फिफ्थ सबसे बड़ा रीजन, अगर आप लोग प्रभास के बहुत बड़े फैन हैं जैसे मैं हूँ, तो ये मूवी आपको देखना चाहिए। देखो मैं क्रिटिक नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं मूवी को स्टार देना चाहूंगा तो 5 में से 2.5 स्टार। बट एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, प्रभास के लिए मूवी बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।